पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दबंगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है। दबंग युवकों ने एक युवक की बेरहमी से बीच सड़क पर पिटाई की। दबंगों ने युवक को इतना पीटा कि उसका सिर तक फट गया। मामला एसएसपी आवास के पास का है तो सवाल भी खड़े होते हैं। पुलिस मामले की जानकारी कर कार्यवाही की बात कर रही है। दरअसल मामला थाना सिविल लाइन्स स्थित एसएसपी तवस के पास का है, जहां देर रात दो युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। उसे पीटते हुए दबंग मुखे सड़क पर पीछे की ओर ले गए। वहां पर वो जान बचाने के लिए भागा तो नीचे गिर गया, जहां से खींचकर आरोपी उसे पीटने के लिए दोबारा सड़क की ओर ले आए। करीब 20 मिनट तक पीली कोठी से लेकर एसएसपी आवास आरोपियों ने युवक की पिटाई की। इस दौरान घटनास्थल पर भी भीड़ लग गई। लोगों ने आरोपियों से युवक को छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद मामले की शिकायत एसएसपी आवास पर जाकर दी, जहां से पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिस को आता देख आरोपी वहां से भाग गए। उन्होंने युवक को पीटा था, उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई है। हालांकि उसने मामले से शिकायत नहीं की है। सुधीर सिविल लाइन्स राजेश कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाई थी। इसके आधार पर मारपीट करने वाले युवकों के बारे में जानकारी की जा रही है, जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में एक अभी इस तरह की खबर आ रही है कि दो पक्ष किसी बात को लेकर आपस में झगड़ गए हैं, आपस में मारपीट कर लिए हैं। जाँच की जा रही है, जो भी तहरीर के आधार पर उनका जो भी साक्ष्य मिलेगा, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। युवक नशे में थे, जिस तरह से वहाँ पे और भी भीड़ वहाँ पे लगी थी। हाँ, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई? तहरीर उनकी अभी नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से वहाँ पे मॉडल शॉप बनी हुई है और मॉडल शॉप पे इस तरह से भीड़ लगी हुई, पूरा हाईवे पे लोग खड़े रहते हैं, क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए? हाँ, हम लोग इनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा वो लेंगे।